हम आए हुए हैं वीरपुर गांव में। इस गांव के कुछ किसान धरना प्रदर्शन पर गए हुए हैं दिल्ली। तो सवाल ये आता है कि जो किसान हमारे देश का अन्नदाता है, जब वो धरने पे चला गया है, तो सबसे बड़ा सवाल है जिसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं जा रहा है कि आखिर अन्नदाता तो धरने पर बैठा है, लेकिन उसका घर कैसे चल रहा है, उसके घर की स्थिति कैसी है, उसके खेती का क्या हो रहा है, उसके पशुओं का क्या हो रहा है। इन्हीं सभी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए हम वीरपुर गांव पहुंचे। परेशानी है, अभी दो में गेहूं बेचा है तो उसे गैया बाजार खा रहे हैं, उजार रहे हैं, तो और कैसे खाने जा रहा है? कौन से गैया बाजार खा रहे हैं? यही खा रहे हैं जो दो लाइन दूध पी के छोड़ देते हैं। आवारा गांव है। हां, आवारा गांव है। हम बहुत परेशान है। हम बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी आई है। तो आपके जो धरने पर गए हुए हैं, कितने आदमी आपके यहाँ से धरने पर गए हुए हैं? सारे ही लोग गए हुए हैं, पट्टी तो सारी जगह है। तो अब खेती का क्या हो रहा है? खेती में तो बहुत नुकसान, पट्टी पर ही है खेती, कुछ नहीं हो रहा हूँ। और पशु हैं आपके पास? पशु हैं, एक भैंस है, एक गाय है। तो उनका काम कैसे चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, भूखे प्यास से तुझ रहे हैं। सारे माजे प्यार खा रहे, वो खा रहे ना भूखे, और जब खाएंगे ना तो दूध निकालते दे देंगे। परेशान है, बहुत परेशानियाँ चल रही हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ही। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम धंधे पे बैठेंगे। आपके घर से भी, परिवार से भी गए हुए हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? बीना रानी। तो आप अब क्या चाहती हैं, मतलब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है पूरी करें सरकार से, हम परेशान हैं। लेकिन सरकार का कहना तो ये है कि ये जो इन्होंने नियम बनाए हैं, जो कानून इन्होंने बनाया है, वो किसान के हित में है? नहीं है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत समस्या आ रही है, खेत में पानी ना लग पा रहा, लाइट ना आ रही ना, जो मतलब तो काम तो आपके पास है ना खेती का? खेती का काम मतलब बिना पैसे लेके दे देगी खेती? खेती में तो पैसा लगा हो जाए, खाद लगा हो जाए, हर एक चीज लगाई जाए, बिना पैसा के तो ट्यूबवेल और पानी ना दे। तो महिलाओं का कहना है कि आवारा जो गौवंश डोल रहे हैं, उन्होंने इनकी फसल को बर्बाद कर दिया है। अब ये क्या करें, रात आदमी तो है नहीं घर में, तो क्या रात में ये महिलाएं जाकर रखवाली करें? इनकी समस्या ये भी है, और ये भी है कि जिस तरह इनके किसान जो आदमी हैं, वो तो धरने पर बैठे हुए हैं, दिल्ली चले गए हैं या इधर उधर धरने पर बैठे हुए हैं, तो ये महिलाएं ही सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। बड़ी समस्या इनके सामने आ रही है, और मुझे लगता है कि जो देश की जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी किसानों के घरों से जो महिलाएं हैं, सभी के सामने ये समस्याएं लगभग चल रही हैं। क्या नाम है आपका? रामेश्वरी। आपके सामने क्या समस्या आ रही है? हमारी समस्या ये है कि खेत में अनाज पानी तो हो ही ना है, कुछ कल्ला पर है जो गाय आम है, दस दस बीस बीस आम है, तो बिल्कुल गोई मटे दे वहाँ में, और खाद बीज है ही ना है, तो कहाँ तक लामे खावे पीवे को पोई जेंगे ले लो 8,500 का, तो हाथन तक गोद गोद के खबा में पोई तो परे पट परे के तो परे पट ये तो परे कहाँ तक खबा में कहाँ तक करें? मारी बच्चे ने को रागे के खेती में गई ने को रखा में कैच करें, और कहाँ बच्चे ने को पालन करें? अब दिन में पशु ना रखा मैं, रात में रखा मैं, रात में बच्चे ना देखे के पशु ना देखे कैसे कैसे करें? बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही है, ठंड का तो मौसम, और हम परेशान है बहुत ज्यादा। यह सरकार ने तो हमको बहुत ज्यादा परेशान कर लिया, बहुत ज्यादा रोवा लिया। यही तो हम पूछ रहे हैं कि आप इस समय सर्दी का मौसम है, ठंड चारों तरफ आपको कोहरा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप धरने पर बैठे हुए हो, तो कैसे मतलब क्या महसूस हो रहा है आप धरने पर बैठे हुए हो? तो ठंड तो सबको पता ही है, ठंड तो मर रहा है जो है कुछ ना, तो धरने पर हम भी बैठेंगे, जब हमारे पति चलेगा तो हम ही क्या करेंगे? अभी अब फसल खेत में हैराना है, पानी मिल रहा ना, समय तो पानी मिल रहा ना, बीज मिल रहा नहीं रहा, जो है वो गाय खा ले रहा है। तो सरकार से क्या मांगे आपकी, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार हमारी मांगे पूरी करे, सरकार तो हम तो क्या चाह रहे हैं, हमारा नाज जो है सब हम जैसा नाज कर रहे हैं, हमारा मतलब नाज हमारे बात ले एकदम कीमत रख दे, तो हम जो बात निर्वात रहे हमारा नाज, अब जो भयो वो तो हमारा नोई लुट पिटेगा, किसान ने नोई ले लो, हम तो जो 4 रुपए किलो में ले रहे हैं, आप 10 रुपए किलो में बेच रहे हो, सरकार से 10 रुपए किलो में बेच रही है, सरकार ने तो हमको सबसे ज्यादा जो वो कर दो। तो अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो क्या करेंगे फिर? धरना खत्म कर देंगे आप? नहीं करेंगे। क्या क्या प्लान है आपका? हम भी धरने पर जाएंगे। कहाँ? दिल्ली। हाँ। और अगर तब भी आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो? तो फिर क्या आत्महत्या करेंगे किसान, और क्या करेंगे? तो
आप देख रहे हैं कि महिलाएं और किसान इतने परेशान हो चुके हैं कि आत्मदाह की बात तक कह रहे हैं। ये महिलाएं अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। कभी मैं अपने बाबा से सुना करती थी कि किसी समय अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए, अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए हमारे देश के सभी लोगों ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो उसमें महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा था। आज इस लड़ाई को देखकर मुझे वही कहानियां याद आती हैं कि महिलाओं ने हमेशा योगदान दिया है देश के लिए, और आज भी हमारे देश का जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो तो धरने पर बैठा हुआ वहाँ लड़ाई लड़ रहा है और यहाँ की औरतें। तो अब आप क्या चाहते हो? हम न चाहते कछु तो कुछ सरकार करे, सरकार तो फौल कहीं मार भी थी बोल ले जाए, वो तो ऐसे मरेगी ऐसे मरेगी। किसान को कोई कोरोना ना हो, किराने किसान को कोई कोरोना ना आए, यार तो सरकार को ऐसे मार दे तो अच्छी यही कलंगा था। हाँ फौल का है तो आप हारिया दुखारिया पैसा टकाना तो बेटा तो मन नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरह महिलाओं की तकलीफ है, किस तरह सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी इन महिलाओं ने ये दिखा रखा है कि हम पीछे नहीं हैं, हम अपने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे आज़ादी के समय पर भी, और आज भी महिलाओं का एक विशेष योगदान चल रहा है इस धरना प्रदर्शन में। वहाँ तो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ घरों में उनकी महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को, चाहे वो खेती हो या पशुपालन हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। आज़ादी के समय पर भी जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि जब सभी लोग देश के आज़ाद होने के लिए लड़े थे तो उस समय भी महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा था हमारे देश की आज़ादी में, और आज भी हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो लगातार हमारे देश के अन्नदाता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए लड़ाई लड़ रही हैं। मैं सक्षम न्यूज इंडिया से कामिनी शर्मा, सहयोगी आसिफ के साथ बुलंदशहर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।